प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां लोगों का हुजूम लग जाता है। पीएम मोदी जब भी कोई रोड शो करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों का प्यार देख कई बार अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपनी गाड़ी से निकल आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एसपीजी कमांडोज के साथ सड़क पर चल पड़ते हैं, लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं। सड़क किनारे खड़े लोग भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करते हैं। ये समय पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज के लिए बेहद तनावपूर्ण होता है। बिना पलक झपकाए एसपीजी कमांडोज को पीएम मोदी की सुरक्षा करनी होती है। अब एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें एक रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चल रहे एसपीजी कमांडो ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल पीएम मोदी केरल के कोच्चि शहर में एक रोड शो कर रहे थे। इसी रोड शो में अचानक सड़क किनारे खड़े लोगों में से किसी ने पीएम मोदी की तरफ कुछ फेंक दिया, लेकिन पीएम मोदी के साथ चल रहा एसपीजी कमांडो इतना अलर्ट था कि उसने वो चीज पीएम मोदी के पास आने से पहले ही रोक दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की तरफ कोई मोबाइल आकर गिरा था। अब ये गलती से हुआ या जानबूझकर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैरानी तब हुई जब इतने शोर, भीड़ और लगातार हो रही फूलों की बारिश में एसपीजी कमांडो ने पीएम मोदी की तरफ आती हुई इस चीज को रोक दिया। एसपीजी कमांडो तुरंत झुका और हाथ से इस मोबाइल जैसी चीज को रोका और उसके बाद पैर से उसे दूर फेंक दिया। आप जानते ही हैं कि कई बार पीएम मोदी को धमकी मिल चुकी है, ऐसे में ये घटना डराती जरूर है, लेकिन एसपीजी कमांडोज की ताकत भी दिखाती है।